नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी सारी लेटेस्ट गैजेट की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऐसे गैजेट्स जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ईजी बना देंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं गैजेट्स की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला गैजेट है उसका नाम है क्यूबियो। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये टेक्नोलॉजी आपने नहीं देखी होगी। आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं स्टिकर्स का, लोगो का, अपनी किसी चीज पर एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। पर यहाँ पर जो लुक देने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है आज की तारीख में, वो हो रही है इंग्रेविंग। ये काफी कॉस्टली पड़ती है, पर यहाँ पर आपको लेजर बेस्ड इंग्रेविंग मिलती है जो काफी कम पैसे में आपका अफोर्ड कर सकते हैं आप इसे। तो ये एक काफी अट्रैक्टिव लुक देती है। आप इसे वुड पे इंग्रेविंग कर सकते हैं जो कि काफी शानदार होती है। साथ ही साथ आप इससे मोबाइल कवर या किसी गमले में या कोई भी ऐसी चीज जो शो ऑफ करना चाहते हैं आप, वहां पर इंग्रेविंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर अगला गैजेट है वो है सिग्वे ड्रिफ्ट। खास तौर से उन लोगों के लिए है जो शौक रखते हैं स्केटिंग का, क्योंकि समय के साथ साथ काफी ज्यादा चेंजमेंट आया है स्केटिंग में। तो यहाँ पर जो आपको मिलते हैं ये पावर स्केट्स होते हैं। इनमें लगा होता है स्पेशल ग्रेविटी हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसकी सहायता से आपको मिल सकता है काफी बेहतरीन बैलेंस और ऐसे कर सकते हैं बहुत ही मजेदार स्टंट्स कुछ ऐसे। तो दोस्तों, जो हमारा अगला गैजेट है वो है एक शू डियोडराइजर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप इसकी सहायता से अपने जूते या सॉक्स वगैरह में जो अक्सर बैक्टीरिया हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। ये बना है एक अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से, जिसकी सहायता से आप कर सकते हैं अपने जूतों की क्लीनिंग, वो भी बिना धोए या कुछ ऐसा करे। क्योंकि जब आप धोते हो अपने शूज को तो काफी ज्यादा समय के लिए गीले हो जाते हैं, आप उनको जल्दी सुखा नहीं सकते हो। और बहुत सारी ऐसी ऐसी सीरीज होती हैं जो आप वॉश नहीं कर सकते, वॉशेबल नहीं होते हैं, जैसे कि आपके ग्लव्स वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के डिओडोराइजर का। इसकी सहायता से आप इस गैजेट को नॉर्मली चार्ज कर लेते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। आपको इसके इस्तेमाल करने के लिए नॉर्मल मोड पे जब आप चलाते हैं तो आपको 1 घंटा रखना होता है, स्ट्रॉन्ग मोड पर चलाते हैं तो आपको 3 घंटा इन बॉल्स को इन शूज के अंदर रखना होता है। और जो हमारा अगला गैजेट है वो काफी फंकी गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, रॉकेट फिशिंग रॉड। अक्सर जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं डेस्टिनेशन पे, तो उनके लिए सबसे बेहतर गैजेट है हमारे पास रॉकेट फिशिंग रॉड। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रॉड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, और अक्सर ऐसा होता है कि कभी वायर टूट जाता है, कभी फंस जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मिलती है हाइड्रोलिक फिशिंग रॉड, जिसमें लगे होते हैं कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम। जब आप फिश को पकड़ते हैं तो यहाँ पर वो खुद ब खुद खींची चली आती है। इसकी जो सबसे जो है मजेदार बात वो ये है कि आप यहाँ पर इसे कैरी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने बैग में, क्योंकि ज्यादा वेटेड नहीं होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में इसको बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है उनके लिए जो फिशिंग के दीवाने हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेरा सबसे पसंदीदा गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ पायरो मिनी के बारे में, जिसकी सहायता से आप कर सकते हैं हल्के फुल्के फायरवर्क्स जो कि लोगों को यकीनन चौंका देंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा ये डिवाइस में हल्का सा डालना होगा कॉटन को, और कॉटन डालने के बाद आपके हाथ में होगा इसका रिमोट, और जैसे ही आप रिमोट का ट्रिगर ऑन करेंगे और आग की लपटों से घिर जाएगा आपका हाथ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए एकदम सेफ है और सबसे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जैसे कि मैजिशियंस करते हैं। तो कुल मिला के मुझे तो ये गैजेट बहुत पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाकई एकदम फंकी आपको एंटरटेनमेंट कराता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।